प्यारे बच्चों, जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खास बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में एससी वर्मा सर की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है और ये आपको 11th के शुरू से ही लगा लेनी चाहिए और उसको सॉल्व करनी चाहिए। आपका फिजिक्स का ज्ञान बिल्कुल चरम पर पहुंच जाएगा, वो भी हंसते खेलते। बस तरीके हैं, जरा से एक कुछ फॉलो करना पड़ेगा इस बुक के अकॉर्डिंग। वो कैसे कैसे आप इसको फॉलो करेंगे, कैसे कैसे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आपको सीक्वेंस में बहुत छोटी वीडियो में इसको बताना चाहूंगा। वॉल्यूम वन में मोस्टली 11th के हैं, मोस्टली शायद ऑप्टिक्स 12th वाला 11th में आ गया इसमें वॉल्यूम वन में, अदरवाइज मोस्टली 11th के चैप्टर वॉल्यूम वन में और 12th के चैप्टर वॉल्यूम टू में है ऑप्टिक्स को छोड़ के। हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बहुत बेहतर एग्जाम्पल देके फिर इनकी एक्सरसाइज शुरू होती है। हर चैप्टर में पहले ऑब्जेक्टिव वन, फिर ऑब्जेक्टिव टू और फिर एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 11th के शुरू में ही तो बहुत दूर कह दिया मैंने, 10th क्लास का लास्ट पेपर देने के तुरंत बाद, बल्कि उसी दिन इसकी महान शुरुआत हो जानी चाहिए। ये बड़ा गोल्डन टाइम होता है, बहुत गोल्डन टाइम। इस शुरुआत में अगर आप एससी वर्मा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो सुनिए, जब भी कोई एक चैप्टर आपका पूरा होता है उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, हर प्रकार की समस्याएं दूर होगी, फिर आप एससी वर्मा सर की बुक में उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव वन आपको उठाना चाहिए। इसमें एमसीक्यूज हैं और ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है पहले कि हो जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है तो एक विश्वास हो जाता है हम इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो एकदम से दिख जाता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ जानना बाकी है। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत से आपको करने चाहिए और फिर ऑप्शन चेक करने चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही आ रहा है कहीं गड़बड़, और अगर गड़बड़ है तो समझो आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं अभी कमी रहेगी या कुछ और जान लेना भी बाकी है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि अरे ये चीज तो छुटी रही थी हमारी, तो और अच्छा लगता है, और ज्यादा खुशी होती है, और स्ट्रांग होते हो। ऑब्जेक्टिव वन पूरे करने के बाद आप एक ऐसा लेवल पार कर लेते हैं जिसका आपको पता ही नहीं था कि ये भी लेवल पार हो सकता था। आपको लगता था मैं सारा कर चुका हूं। आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव टू, मतलब इस बुक की क्या खासियत है, एक ऐसा हिसाब से सेटिंग की गई है कि बच्चा इसको पूरे तन मन धन से अगर पढ़ना शुरू कर दे तो यकीनन ही पार कर जाएगा, आराम से सारी बाधाएं पार कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू, क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया जाएगा कि आप पढ़ोगे थोड़े कंफ्यूज जाओगे, फिर सोचोगे यार कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ो तो आपको कभी कभी तो सारे ऑप्शन से नजर आते हैं कि सारे सही हो सकते हैं, कभी कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है कि ये तो नहीं हो सकता, नहीं यार हो भी सकता है, तो हम आते हैं ऐसे। और जहां पे आप गलतियां करते हो, मतलब नॉर्मल सोच के आपने क्वेश्चन करते हो तो वो आंसर उन ऑप्शन में जरूर होता है, हो सकता है करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज में भी आ जाए, परंतु जो बच्चा नॉर्मल गलती कर लेता है सामान्यतः उसे अकॉर्डेंस जो आंसर आता है वो जरूर होता है ऑप्शन में और वो गलत होता है। तो इसमें आपके पूरी तरह से आपका टेस्ट हो जाता है कि आपने बेसिक क्लियर करा, ऑब्जेक्टिव वन
करके भी एक लेवल पार कर चुके, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर भी इन्हें करने से आपको लगता है अभी भी बहुत कमियां हैं यार, ये भी तो हो सकता था यार, ये भी तो हो सकता था। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ है, पर इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन ने एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को मैं 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट खींचता हूं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पद्धति में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर ये दो इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये और ये एक एक सेंटीमीटर इनमें झोल आ जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर नीचे खींचना पड़ेगा ताकि इसके 1 सेंटीमीटर और इसके 1 सेंटीमीटर दोनों झोल को दोबारा अटैक कर। अगर इसको 1 सेंटीमीटर चलाते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो हमें लगा कि जो भी इसका एक्सेलरेशन है उसका डबल इसका एक्सेलरेशन, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा भी। पर एक गलती इन ऑब्जेक्टिव 1 और 2 को करते हुए एकदम आप पकड़ लेते हो, एकदम आपके सामने आ जाते, अरे यार ये कैसे भूल गए हम, ऐसा लगता है। देखिए क्या इसमें चीज छूट जाती है जो इन क्वेश्चंस को करने से सामने आ जाती है। ये ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर इधर गया 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर नीचे आया, बस हम यहीं पटक जाते हैं कि 1 चला वो 2 नीचे आ जाएगा, ये भूल जाते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ साथ इधर भी तो चल रहा है। यस, ये बात एट ए टाइम ऐसी स्टडी के दौरान सामने आती है, ओफ ये क्या हो गया, ये गलती हमने कर दी, यकीन नहीं आता। तो इसका डिस्प्लेसमेंट या स्पीड या एक्सेलरेशन जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना होगा वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रिजल्टेंट है, ये होगा वास्तविक। तो ऐसी स्थितियां तभी आती हैं जब ऐसी ऐसी स्थिति सामने आ जाती है, तो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 ये 2 एक्सरसाइज जो आप कर लेते हो तो आप में एक अच्छी खासी ताकत, एक सुकून भरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इस दौरान ही खत्म हो जाता है, धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस था तो इस दौरान उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उसके बाद आपको एक सुकून भरा आत्मविश्वास आ जाएगा, और इसी गोल्डन मोमेंट में एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और एक्सरसाइज शुरू के आसान क्वेश्चन, फिर ठीक ठाक, अभी बीच में से और एंड तक खतरनाक क्वेश्चन प्राप्त लेंगे। अगर आप सिस्टम से चल रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर मजा बड़ा आता है, मजा आता है एकदम, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुस्कुराहट से आ जाती है कि अब तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एससी वर्मा बुक सर की बुक को आप 11th के फर्स्ट चैप्टर से ही अपने पाठ्यक्रम में लागू कर दें, किसको तो करना ही करना, गारंटेड फिजिक्स की सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। एससी वर्मा सर को प्रणाम। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे इतना ही कहना था बस, जरूर ये बात आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। ओके।